सभी को नमस्कार। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें, धन्यवाद। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, पहले भी किसी ने किया था, कि जब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल निश्चित है तो हम कुंडली क्यों देखते हैं? हम कुंडली इसलिए देखते हैं कि जो हमारे पूर्व जन्मों में हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार जो हमें फल मिला है उसके अनुसार से जो हमारी ज्योतिष की विवेचना जो ग्रह जहाँ पर बैठे हैं उससे दर्शाती है। ग्रह नहीं कोई फल देता, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि हमारे साथ आने वाले समय में ये होने वाला है। तो उस घटनाओं को देखते हुए हमें सावधानी अपनी रखनी चाहिए। यही ज्योतिष का मकसद है कि जब बारिश पड़ रही है तो उसमें हमें छाता मिल जाता है, जो ये मैं बार बार कहता हूँ। आइए देखते हैं इस कुंडली को। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल चटानी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे राशियों की, कि राशिफल क्या होता है। देखिए, खगोल शास्त्र में सूर्य पथ में स्थित तारामंडल के समूह को हम राशि कहते हैं। इस राशि चक्र को 12 बराबर भागों में बांटा गया है। इन भागों को हम राशि के रूप में जानते हैं। प्रत्येक राशि हमारी एक चिन्ह के साथ जुड़ी हुई है। हमारी 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, करक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। हिंदू संस्कृति में नाम का पहला अक्षर जन्म के समय राशि या नक्षत्र के अनुसार होता है, इसलिए अधिकांश लोगों का नाम सीधे राशि से जुड़ा होता है। अगर आपका जन्म नाम राशि और नक्षत्र से नहीं लिया गया तो आप अपने नाम के अनुसार भी अपनी राशि चुन सकते हैं। ये हम आपको स्क्रीन में थोड़ी देर में बताएंगे। अभी सामान्यतः लोग राशियों को लेकर बड़े पजल रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं कि हमारी राशि कौन सी है, हमारे नाम की राशि है कि हमारे चंद्रमा की राशि है कि हमारे सूर्य की राशि है, आखिर राशि किसको माने हो। देखिए, वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को ही राशि के नाम से संबोधित किया जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही राशि चंद्रमा राशि कहलाती है और वही जन्म राशि कहलाती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य राशि से अधिक महत्ता चंद्रमा राशि को दी गई है, इसलिए वैदिक ज्योतिष जो है वो चंद्रमा राशि पर ही आधारित होती है। लेकिन जिसका चंद्रमा राशि नहीं है, कुंडली नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमारी हम कब पैदा हुए थे, कुंडली नहीं है, तो वो अपने प्रसिद्ध नाम जो उनका है उससे भी राशि देख सकते हैं। और नंबर 3 पे आती है सूर्य की राशि। यदि मान लो हम सूर्य की राशि से देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। इसको हम यूं कह सकते हैं कि 70% तो हमने अपने चंद्रमा राशि से इसका रिजल्ट मिलेगा, 20% हमें प्रसिद्ध नाम से जो है उसका फल मिलेगा और 10% हमें सूर्य राशि से फल मिलेगा। तो इसका मतलब 100% हो गया। तो आप इन 3 राशियों को एस क्रम से देख सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा राशि 70% हमारे को फल देगी। नंबर 2 पे रहेगी प्रसिद्ध नाम, क्योंकि प्रसिद्ध नाम भी है, वही नाम की फाइल हमारे को चलती है तो उसका फल भी हमें मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। 70 और 20 90 और 10% सूर्य की राशि को आप ले लें तो आप इस प्रकार राशि अपनी देख सकते हैं। हम आने वाले इसमें अभी आपको स्क्रीन में बताएंगे, ये आप देख रहे हैं साथ में, कि आपका किस नाम से, किस अक्षर से नाम शुरू होता है, जिस अक्षर से नाम शुरू होता है ये आपकी राशि है। आप इसको देखते रहें और अपनी राशि को ढूंढें। आज हम ये राशि का हर माह आपको एक राशि का हर माह 12 राशियों का विवरण आपको देंगे। जैसे आज अगस्त माह है तो अगस्त माह का विवरण हम आपको अभी थोड़ी देर में ही देंगे। ये अब सिंह राशि का अगस्त माह में विवेचन देखते हैं। यदि इस महीने के दौरान आपके स्वास्थ्य पर नजर दड़ाई जाए तो मानकर चलिए कि स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। विशेषकर महीने के पूर्वार्ध में स्थितियां कमजोर रहेंगी और आपको पेट अथवा पाचन तंत्र, मांसपेशियों में जकड़न, बाएं व गठिया का दर्द जैसी समस्याएं वायु रोग परेशान कर सकते हैं। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब आपकी राशि का स्वामी सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो आपकी चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि इसके दूसरे पक्ष के रूप में आप देखें तो आपके अष्टम भाव में मंगल विराजमान है और शनि छठे भाव में विराजमान है। देखिए, मंगल अष्टम में है और शनि छठे में है,
सूर्य 12वें घर में ही, सूर्य जब यहां जाएगा तब स्थिति थोड़ी ठीक होगी। जिससे कि किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना अथवा चोट लगने की संभावना भी संभव है। ऐसे में बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं तथा रक्त संबंधित अनियमितता के प्रति सतर्क और जागरूक रहें। अपना ब्लड प्रेशर लगातार चेक कराते रहें, साथ में शुगर की मात्रा भी अवश्य चेक कराएं। इससे आपकी अपनी स्थिति को ज्ञात करने में आसानी और सुविधा प्राप्त होगी। इसी कारण हम ये बोलते हैं कि जो ज्योतिष है अपनी राशि हर माह देखनी क्यों जरूरी है, ताकि आप सावधानी पूर्वक आप इसको चल सकें। ये आपका भाग्य नहीं बदलती है, लेकिन आपको सावधान अवश्य करती है। आइए देखिए कैरियर। कैरियर के मामले में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। विशेषकर महीने का उत्तरार्ध आपके लिए जबरदस्त सफलता लेकर आएगा, क्योंकि उस दौरान आपका भाग्य पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके साथ नजर आएंगे और उनसे आपको लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, आपके सहकर्मी अथवा साथ काम करने वाले व्यक्ति भी आपकी हर तरह से मदद करेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोक पाना असंभव होगा। क्यों? क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्थान ये शुक्र है, ये उत्तरार्ध में लाभ स्थान पे चला जाएगा, तो आपको कैरियर संबंधित अच्छी सूचनाएं मिलेंगी। अब तक आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब मिलेगा। छठे भाव में बैठे शनिदेव यानी इंगित करते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेंगे। इस प्रकार अपनी जॉब में आप बेहतर प्रदर्शन करके तरक्की पाने में सफल हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो ग्रहों की चाल आपकी बिजनेस की वृद्धि को की ओर इंगित करती है। विशेषकर महीने की 16 तारीख के बाद से स्थितियां बेहतर तरीके से आपके पक्ष में नजर आएंगी और आप अपने व्यापार को भी आगे ले जाने में पूरी तरह सफल होंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनते हैं, विशेषकर जब सूर्य सिंह राशि में 16-17 के बाद अगस्त के मध्य में जाएगा। आइए अब प्रेम विवाह देखते हैं। आपको पता है कि प्रेम विवाह हम पंचम भाव से देखते हैं, राशि 9 से, जिसमें केतु चंद्रमा गुरु और सामने राहु बुध बैठे हैं। थोड़ी डिफिकल्ट लग रहा है। प्रेम जीवन इस माह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि एक साथ 5 ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, यानी कि स्थितियां कभी बिगड़ेंगी कभी आपके पक्ष में रहेंगी। ऐसे में आपके प्यार की कश्ती हिचकोले भी खा सकती है। यही बात एजुकेशन के मामले में भी कही जा सकती है, क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन को भी डिनोट करता है। यहाँ सबसे बेहतर यही होगा कि अपने प्रीतम के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और आपके बीच अगर किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा है तो उसे समय रहते ही बातचीत से निपटा लें, ताकि आगे बढ़कर कोई बड़ा रूप ना ले लें। ऐसा करने से आपको प्रेम जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। हालांकि कई बार रोमांटिक मौके भी आएंगे, जब आपको अपना प्यार जताने का पूरा मौका भी मिलेगा। आप उनको किसी पार्टी समारोह में भी अपने साथ ले जाकर शिरकत कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो स्थितियां ठीक ठाक रहेंगी। महीने का प्रवार्ध अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा और उसमें आपके दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझने की काफी मौके मिलेंगे। साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और उनकी सहायता से अपने जीवन में किसी प्रकार का लाभ भी हासिल कर सकते हैं, अर्थात उनका साथ आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर आपकी राशि में होगा तब दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव आने की स्थिति हो सकती है। जब सूर्य 5वीं यानी सिंह राशि में आएगा, इस तरह आपके अहम की वृद्धि हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, यह आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। हालांकि कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती। इस समय में आप और आपका जीवन साथी कई प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। संतान आज्ञाकारी रहेगी, आपकी बातें सुनेगी, समझेगी और मानेगी। हालांकि बीच बीच में वे अपनी राह से भटक सकते हैं, इसलिए उनका साथ अवश्य दें, लेकिन अन्य बातों पर ध्यान दें। सिंह राशि के जातकों को इस महीने आर्थिक मोर्चों पर बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होगा। वहीं पिताजी का स्वास्थ्य संभावित रूप से कुछ पीड़ित रह सकता है, विशेषकर महीने के पूर्वार्ध में उनके लिए स्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस दौरान आपकी अनेक यात्राएं हो सकती हैं जो मनोरंजन के उद्देश्य से होगी, प्रेम भावना को बढ़ाने वाली भी होंगी, परिवार को एकजुट रखने वाली भी होंगी, आर्थिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से होगी और आपको उनमें बेहतर नतीजे मिलेंगे। आपका पारिवारिक जीवन खुशमय रहेगा और आप जीवन में तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपके आर्थिक मामलों पर नजर दौड़ाएं, आर्थिक मामले द्वितीय घर से देखे जाते हैं,
द्वितीय घर का स्वामी बुध कहाँ बैठा है? लाभ स्थान पर बैठा है। लाभ स्थान पर बैठना अच्छा होता है। इसे देखा जाए तो महीने के पहले 15 दिन थोड़ा कमजोर रहेगा और उस दौरान किसी प्रकार की आर्थिक हानि के योग बनते हैं। केवल इतना ही नहीं, आपको खर्चे भी काफी करने पड़ेंगे और किसी कारण बैंक लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि महीने के बाद में 15 दिन बाद काफी बेहतर रहेगा। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। एक से अधिक साधनों के द्वारा आपको धन प्राप्ति के मार्ग मिलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अचानक से मजबूत हो जाएगी। इस दौरान आपको महीने के उत्तरार्ध में तो अचल संपत्ति खरीदने की भी संभावना दिखाई देती है जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगी और आपकी साख को आर्थिक तौर पर काफी बढ़ाएगी। व्यापारियों को इस दौरान मिलजुले परिणाम मिलेंगे। यदि वे अपने खर्चों पर ध्यान देंगे, यदि वे अपने देनदारों पर अधिक ध्यान देंगे तो आमदनी थोड़ी कम रह सकती है। बैंक से लोन अप्लाई किया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। यदि आप अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस समय खंड में आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होगी। सभी लोग एक दूसरे के प्रति समन्वय रखकर परिवार के माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। परिवार के लोग भी एक दूसरे की सहायता करेंगे। आपको उनसे आर्थिक तौर पर किसी मदद की उम्मीद करनी चाहिए, अर्थात यदि आपको धन की आवश्यकता है तो इस मामले में वे आपकी सहायता कर सकते हैं। प्यार से बात करना बेहतर होगा। छोटे भाई बहन भी आपके लिए बेहतर कार्य करेंगे और आपके साथ रहेंगे। यानी छोटा भाई बहन यहाँ से देखा जाता है, तीसरा स्वामी शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो ये अच्छे से बैठे हैं और उत्तरार्ध में ये लाभ स्थान पे भी जाएंगे। बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग मिलेगा, अर्थात परिवार एकजुट रहेगा। बस पिताजी का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ा रह जा सकता है जो कि महीने के उत्तरार्ध में सुधर जाएगा। इस प्रकार आपका पारिवारिक जीवन इस महीने ठीक ठाक चलेगा। सिंह राशि के उपायों में आप मंगलवार और शनिवार को दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। दुर्गा कवच, अर्घ्य स्तोत्र या एक अध्याय 12 अध्याय जैसे होते हैं तो उनमें से एक का पाठ कर सकते हैं। रोज एक पाठ करें, ये लगातार करना जरूरी है। इसके अलावा भगवान शिव की उपासना भी कर सकते हैं और हर सोमवार को आप शिवलिंग में जाकर जल भी चढ़ा सकते हैं।